हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनुश्री सोनी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड इट्स इन्वर्जन्स। सो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। हमने देखा था कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म 4 बार का मॉडिफिकेशन था कि हमने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब सिंगल स्लाइडर में सिर्फ एक स्लाइडर था, तो अब हमने क्या कर दिया, डबल स्लाइडर में 2 स्लाइडर कर दिए। एज अ नेम सजेस्ट, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो ये एक मैकेनिज्म है जिसमें कि ऑलरेडी 1 लिंक फिक्स होना चाहिए और इसमें 2 स्लाइडर हैं और एक क्रैंक है। क्रैंक वो एलिमेंट होता है जो कि 360 डिग्री का रोटेशन करता है। सो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में 2 तो स्लाइडिंग पेयर होंगे और 2 टर्निंग पेयर होंगे। एज द नेम सजेस्ट, इट हैज़ 2 स्लाइडर्स एंड 1 क्रैंक एंड इट फॉर्म 2 स्लाइडिंग पेयर्स। इसके जो 2 स्लाइडर्स होते हैं वो एक फ्रेम के अंदर मूव करते हैं और इन दोनों जो स्लाइडर्स हैं इन दोनों को एक लिंक जो है वो ज्वाइन करता है आपस में, जिसको हम बोलते हैं क्रैंक या फिर कनेक्टिंग लिंक, जो कि इन दोनों स्लाइडर्स के बीच की डिस्टेंस को भी बताता है। जो फ्रेम है जिसमें ये दोनों स्लाइडर्स मूव करते हैं वो एक स्लॉटेड फ्रेम होता है और स्ट्रेट लाइन होता है। इसमें 2 स्ट्रेट लाइन स्लॉट्स आर जॉइंड टुगेदर एट राइट एंगल। सो ये भी एक लिंक है, तो इनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, बस क्रॉस शेप्ड एक लिंक होगा। सो हियर इज़ द डायग्राम ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसमें फर्स्ट 2 तो स्लाइडर हैं, एक कनेक्टिंग लिंक है और एक फ्रेम है। तो यहाँ पे 4 लिंक हो गए हैं हमारे, तो ये किसका टाइप हो गया, आपके 4 बार मैकेनिज्म का टाइप हो गया। तो यहाँ पे लेकिन 4 लिंक में से 2 लिंक तो स्लाइडर हैं, एक क्रैंक है और एक फ्रेम है। तो हम देख सकते हैं कि लिंक 1 क्या है, स्लाइडर है, लिंक 2 क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, लिंक 3 क्या है, अगेन स्लाइडर, एंड लिंक 4 इज फ्रेम। यहाँ पे 4 लिंक हो गए, 2 तो टर्निंग पेयर बन रहे हैं और 2 स्लाइडिंग पेयर बन रहे हैं। अब टर्निंग पेयर किस किस के बीच में बन रहा है, हम देख सकते हैं कि लिंक 3 जो है स्लाइडर है और इसके साथ जो है कनेक्टिंग लिंक है, दैट इज़ क्रैंक है। तो ये क्रैंक क्या करेगी, टर्न करेगी इसके अराउंड, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, टर्निंग पेयर बन रहा है। ऐसे ही लिंक 1 और लिंक 2 में भी क्या बन रहा है, टर्निंग पेयर बन रहा है। अब स्लाइडिंग पेयर किस किस के बीच में बनेगा, कि ये जो दोनों स्लाइडर है स्लाइड कहाँ कर रहे हैं, ये फ्रेम के अंदर स्लाइड कर रहे हैं, तो स्लाइडिंग फ्रेम बनेगा हमारा लिंक 4 और लिंक 1 के बीच में, लिंक 4 और लिंक 3 के बीच में। सो स्लाइडिंग पेयर विल फॉर्म बिटवीन 1 एंड 4 एंड 3 एंड 4। अब हम इन्वर्जन देखते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के। हमने पहले भी पढ़ा था कि इन्वर्जन क्या होते हैं। अगर हमारे पास 4 लिंक है, अगर हम एक लिंक को फिक्स करेंगे तो हमें एक मैकेनिज्म मिलेगा। ऐसे ही अगर हम डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करेंगे तो हमें डिफरेंट मैकेनिज्म मिलेंगे। सो मैथड ऑफ ऑप्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इज कॉल्ड इन्वर्जन। वो मैथड जिससे हम डिफरेंट मैकेनिज्म को ऑप्टेन करते हैं डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करके, वो क्या कहलाता है, आपका इन्वर्जन कहलाता है। सो डिफरेंट इन्वर्जन कैसे फॉर्म हो सकते हैं हमारे, हमारे पास 4 लिंक है, लिंक फ्रेम दैट इज़ द लिंक 4, उसको हम फिक्स कर सकते हैं, दोनों स्लाइडर्स को फिक्स कर सकते हैं, और एक बार हम क्या कर सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक दैट इज़ द लिंक 2 को भी फिक्स कर सकते हैं। तो हमें कितने इन्वर्जन मिलेंगे, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के 3 इन्वर्जन मिलेंगे, जो कि एलिप्टिकल ट्रीमल, सेकेंड इन्वर्जन इज स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म एंड थर्ड इन्वर्जन इज ओल्डहैम कपलिंग। सो एलिप्टिकल ट्रीमल क्या होता है मेनली, तो एलिप्टिकल ट्रीमल जो ट्रेस करता है वो करता है एलिप्स ट्रेस करता है। ये एलिप्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो इन्वर्जन है ये तब मिलेगा जब हम लिंक 4 दैट इज स्लोटेड प्लेट या फिर फ्रेम को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक लिंक को फिक्स कर दिया, दैट इज़ द स्लोटेड प्लेट और फ्रेम, दैट इज़ द लिंक 4। लिंक 1 स्लाइडर, लिंक 3 स्लाइडर और लिंक 2 हमारी क्या है, बार, जिसको हम क्रैंक भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर क्या करेंगे कि लिंक 1 और लिंक 3 स्लाइड करेंगे उनके रेस्पेक्टिव ग्रूव्स में, और अगर हम कनेक्टिंग बार पे कोई भी एक पॉइंट ले लें मिडिल को छोड़ के, क्योंकि अगर हम मिडिल पॉइंट लेंगे तो वो सर्कल ट्रेस करेगा, अगर हम मिडिल के अदर दूसरा पॉइंट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने शो कर रखा है एक पॉइंट पी, अगर हम पॉइंट इन दोनों स्लाइडर्स को ग्रूव्स में मूव करें और इस पॉइंट पी को ट्रेस करें, तो ये क्या देगा, हमको एक एलिप्स ट्रेस करके देगा। तो इसलिए हमको, हम इसको क्या बोलते हैं, एलिप्स ट्रेसर बोलते हैं, और इसका क्या नेम होता है, एलिप्टिकल ट्रैमल। इसमें हमने किस लिंक को फिक्स किया है, लिंक 4 को। ये दोनों जो स्लाइडर है ये मूव करेंगे किस में, जो स्लॉटेड आपकी लिंक है उसके अंदर। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक एलिप्टिकल ट्रीमल है। इसमें एक तो स्लोटेड प्लेट है जिसको हमने बोला था लिंक 4, लिंक 1 और लिंक
3 है जिनको हमने बोला था स्लाइडर्स, और लिंक 2 है. हमने लिंक 2 पे अदर देन मिडिल कोई भी एक पॉइंट ले लिया, उसको अगर हम ट्रेस कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एलिप्स मिल रहा है. सो ये जो वर्किंग होगी वो इस तरह से होगी, ये जो 2 स्लाइडर्स हैं ये मूव करेंगे दोनों स्लोटेड ग्रूव्स के बीच में. सो नेक्स्ट इन्वर्जन इज स्कोच योक मैकेनिज्म. इट इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग रोटरी मोशन इंटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन. इसमें हम क्या करेंगे कि रोटरी मोशन देंगे क्रैंक को, और उससे हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकेटिंग मोशन एज अ आउटपुट हमको मिलेगा. इस इन्वर्जन में हम या तो लिंक 1 या फिर लिंक 3 को फिक्स रखेंगे, मतलब हम कोई भी एक स्लाइडर को फिक्स कर देंगे. तो हमने यहाँ क्या किया, लिंक 1 को फिक्स कर दिया. अब यहाँ पे लिंक 2 एज अ क्रैंक वर्क कर रहा है जो कि रोटेट करेगा अबाउट द पॉइंट बी. बी क्या होगा, उसका सेंटर होगा, और लिंक 2 हमारा रोटेट करेगा, और लिंक 1 हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. अब जैसे ही जो हमारी क्रैंक है वो रोटेट करेगी, तो जो स्लाइडर है लिंक 3, मतलब थर्ड नंबर का जो स्लाइडर है लिंक 3, वो क्या करेगा, इस स्लोटेड बार के अंदर मूव करेगा. तो अगर ये स्लोटेड बार के अंदर मूव करेगा, तो ये जो स्लोटेड लिंक है आपका वो क्या करेगा, रेसिप्रोकेट मूव करेगा. सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले तो एक स्लाइडर को फिक्स किया, जब क्रैंक मूव करेगी तो दूसरा स्लाइडर स्लोटेड लिंक के अंदर मूव करेगा, और वो जो मूव करेगा, वो जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगा. सो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. इससे हमको क्या मिलता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ट्रेस होता है. अगर आप कोई पेपर लगाकर इसका मोशन ट्रेस करेंगे, तो या तो साइन थीटा कर्व देगा या फिर कॉस थीटा कर्व देगा. दिस इज द स्कॉच योक मैकेनिज्म. यहाँ पे जो रेड कलर का लिंक है ये तो है फिक्स्ड लिंक, और आपका जो येलो कलर का रिंक है ये आपका क्रैंक है. यहाँ पे जो ब्लू कलर का लिंक है आपका, ये क्या है, आपका स्लोटेड लिंक है. तो जैसे ही क्रैंक आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये मूव करने पे क्या हो रहा है, आपका स्लोटेड लिंक क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे रहा है, ये टू एंड फ्रो आपका मूव कर रहा है. सो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक लिंक को फिक्स, दैट इज द स्लाइडर, और क्रैंक के रोटेट करने पे हमको क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट मिल रहा है. नाउ द थर्ड इन्वर्जन इज ओल्डहैम कपलिंग. ओल्डहैम कपलिंग 2 पैरेलल शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के काम आती है, जिनकी की एक्सिस जो होती है एट अ डिस्टेंस होगी, स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट होगी, मतलब स्मॉल डिस्टेंस दूर होगी एक दूसरे से, लेकिन ये 2 पैरेलल शाफ्ट्स को एक दूसरे से हम इसको ज्वाइन करते हैं. अब इसमें हम क्या करेंगे कि लिंक 2 जो होता है, दैट इज़ द कनेक्टिंग लिंक जो होता है हमारा, उसको हम फिक्स कर देंगे. अब जो शाफ्ट्स है जिनको हमें कनेक्ट करना है, उसमें 2 फ्लेंजेस होंगे, और वो 2 फ्लेंजेस होंगे उनको हम बोलेंगे लिंक 1 और लिंक 3. तो एक तो हो गई आपकी ड्रेविन शाफ्ट होगी, डायग्राम में देख सकते हैं आप, और एक हो गई आपकी ड्राइविंग शाफ्ट. बी एंड पे तो ड्राइविन शाफ्ट हो गई, ए एंड पे हो गई आपकी ड्राइविंग शाफ्ट. और इनकी जो फ्लेंज होगी, एक की हो गई फ्लेंज दैट इज़ लिंक 3, एक की हो गई फ्लेंज दैट इज़ लिंक 1. मतलब हमें जो 2 पैरेलल शाफ्ट्स को ज्वाइन करना है, उनमें फ्लेंजेस निकली हुई है. अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इन फ्लेंजेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमने एक इंटरमीडिएट लिंक लगा दिया, जिसको हम बोल रहे हैं लिंक 4. और वो क्या है, एक सर्क्यूलर डिस्क है जिसमें 2 टंग्स या फिर डायमेट्रिकल प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, T1 एंड T2. और ये जो 2 टंग्स हैं ये जाकर किस में फिट हो जाएंगे, जो स्लॉट होंगे फ्लेंजेस के अंदर उसमें फिट हो जाएंगे. तो जैसे ही आपकी ड्रेविन शाफ्ट मूव करेगी, तो ड्रेविन शाफ्ट के मूव करने से इंटरमीडिएट लिंक मूव करेगा, दैट इज़ लिंक 4. इंटरमीडिएट लिंक के मूव करने से उसके जो डायमेट्रल प्रोजेक्शंस निकले हुए वो मूव करेंगे, उनके मूव करने से जो फ्लैंज है हमारा लिंक 1 है वो मूव करेगा, और उसके मूव करने से हमारी ड्राइविंग शाफ्ट मूव करेगी. तो यहाँ हम क्या करें, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम 1 शाफ्ट टू अनादर, बट दीज 2 शाफ्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट. कैन सी द वर्किंग ऑफ ओल्डहैम कपलिंग. यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है पीच कलर का, वो क्या आपका इंटरमीडिएट लिंक है, उसमें प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जो कि आपके फ्लेंजेस की स्लोट्स, जो स्लोटेड फ्लेंज है उसके अंदर कनेक्ट हो रहे हैं. जैसे एक शाफ्ट को पाम मिल रही है, तो वो इंटरमीडिएट लिंक को मिल रही है, और इंटरमीडिएट लिंक उसको दूसरे शाफ्ट को ट्रांसमिट कर रहा है. थैंक यू.